हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं जिस वेब सीरीज़ में आपको न्यूडिटी के सीन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के पापा वेब सीरीज़ के बारे में। वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घर में एक लड़की एंटर होती है और रीमा का नाम लेती है, लेकिन वहाँ उसके पापा होते हैं जो कि उसको बताते हैं कि रीमा घर में नहीं है। तो उसके फ्रेंड बताते हैं कि रीमा की डायरी उसके पास रह गई थी। फिर वो डायरी उसके पापा को दे देती है और उसके पापा उसको पानी और कुछ खाने पीने का पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। फिर उसके बाद उसके पापा उसको बेड पे बैठने को कहते हैं और उसको पूछते हैं कि मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। तो वो कहती है कि वो और रीमा दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, इसलिए कभी वो घर पे आई ही नहीं है। तो उसके पापा अपना हाथ रीमा की थाइस पे रखते हैं और उसके करीब हो जाते हैं और रीमा की फ्रेंड घबरा जाती है। फिर उसके बाद उसके पापा उसको बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि वो अभी तक सिंगल है। तो उसके पापा पूछते हैं कि क्यों, तो रीमा की फ्रेंड कहती है कि वो अभी छोटी है और अपनी स्टडी पे ही ध्यान देती है। रीमा की पापा उसको कहते हैं कि आराम से बैठो, जैसे मेरे लिए रीमा है वैसे ही तुम हो। और फिर उसको कहते हैं कि तुम कितनी छोटी हो, तो रीमा की फ्रेंड कहती है कि वो 18+ है। इसके बाद रीमा के पापा और करीब हो जाते हैं और उसकी फ्रेंड को हक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीमा की फ्रेंड उनको कहती है कि अंकल आप थोड़ा दूर बैठिए। लेकिन उसके पापा रीमा की फ्रेंड को बोलते हैं कि जैसे मेरे लिए रीमा है वैसे ही तुम हो। इसके बाद वो उसको कहते हैं कि तुम इन्जॉय किया करो, लेकिन उसकी फ्रेंड पूछती है कि किस तरह का इन्जॉय। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि यही बॉयफ्रेंड वगैरह, लेकिन रीमा कहती है कि नहीं, वो सिर्फ अपनी ही स्टडी पे ध्यान देगी। फिर रीमा के पापा रीमा की फ्रेंड को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीमा की फ्रेंड कहती है कि अंकल ये आप क्या कर रहे हैं। और उसके पापा कहते हैं अरे बेटा मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही रीमा है। फिर रीमा की फ्रेंड बोलती है कि तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। और फिर रीमा की फ्रेंड बात को पलट देती है और कहती है कि आपने रीमा को पिकनिक पे जाने से मना कर दिया था। तो उसके पापा बोलते थे हाँ मैंने मना किया था, वो किसके साथ जा रही थी पिकनिक। तो रीमा की फ्रेंड कहती है कि वो मेरे साथ जा रहे थे पिकनिक। तो उसके पापा कहते हैं अरे मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ जा रही है, कोई बात नहीं मैं उसको अलो कर दूंगा और तुम मेरी गाड़ी ले जाना और तुम्हें जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं पे करूंगा। रीमा की फ्रेंड उसके बाद उसके पापा किस करते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं अंकल ये सब गलत है। उसके पापा बोलते हैं कि फिर वो रीमा को पिकनिक पे जाने का मना कर देंगे और पैसे और गाड़ी भी नहीं देंगे। रीमा रिक्वेस्ट करती है लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। फिर रीमा की फ्रेंड कहती है कि वो उसके साथ सेफ है, अंकल प्लीज़ रीमा को हमारे साथ जाने दीजिए। फिर वो दोनों को पिकनिक में जाने के लिए रीमा की फ्रेंड को प्यार करने का कहते हैं। रीमा की फ्रेंड पहले तो मना करती है लेकिन फिर वो मान जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो सीरीज़ जल्द ही एडल्ट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। सीरीज़ में आपको फुल इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे। इंटीमेट सीन्स के साथ ये वेब सीरीज़ करीब 28 मिनट की है। स्टोरी वैसे अच्छी है और अगर आप सर्च कर रहे थे किसी ऐसी वेब सीरीज़ का जिसमें न्यूडिटी फुल हो तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए अच्छी है। स्टोरी वाइज वेब सीरीज़ थोड़ी ऑकवर्ड जरूर लगेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपको अच्छी लगेगी वेब सीरीज़।